चलो दोस्तों, चलिए फेमिनिज्म को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि ये सीरीज आपके सपोर्ट पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि अभी तो थोड़ा सा व्यस्तता है, MPPSC और UPPSC के एग्ज़ाम है, उसके चक्कर में थोड़ा सा व्यस्तता है। बाकी उसके बाद इसको पूरी तरह से कवर किया ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रस्तावना क्या है कि नारीवाद शब्द का पहली बार उपयोग काल्पनिक समाजवादी चार्ल्स फोरियर, यानी ये जो यूटोपियन सोशलिस्ट थे चार्ल्स फोरियर, उन्होंने 1837 में महिलाओं के लिए समान अधिकार का उल्लेख करने के लिए किया। नारीवाद राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक लैंगिक समानता को स्थापित करने और प्राप्त करने के लक्ष्य को साझा करता है। आधुनिक पश्चिमी नारीवादी आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? पहला, नारीवादी आंदोलन के पहले चरण में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अधिक अधिक जोर दिया गया, जैसे वोट का अधिकार। ये आंदोलन 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक सक्रिय रहा। नारीवादी आंदोलन के दूसरे चरणों में महिलाओं के सामाजिक समानता और कानूनी समानता के अधिकार पर बल प्रदान किया गया। दूसरे चरण की शुरुआत उदारवादी आंदोलन के साथ 1960 में की गई। तो पहले चरण में राइट टू वोट की बात की गई और इसे दूसरे चरण में सामाजिक यानी सोशल इक्वालिटी और लीगल इक्वालिटी की बात की गई। नारीवादी आंदोलन का तीसरा चरण मूलतः दूसरे चरण का ही विस्तार था, जिसमें दूसरे चरण के आंदोलन की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया तथा सामाजिक आर्थिक समानता के साथ आर्थिक समानता को भी तो इसमें सामाजिक कानूनी समानता के साथ आर्थिक समानता को भी जोड़ा दिया गया। इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में शुरू हुई। नारीवादी विचारधारा उत्तर आधुनिक विचारधारा है, यानी ये एक पोस्ट मॉडर्न आइडियोलॉजी है। इसकी उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई, यद्यपि इसका मूल आधार मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट तथा मिल के विचारों में भी पाया जाता है। इन विचारकों ने पुरुष एवं महिलाओं के मध्य सार्वजनिक जीवन में भेदभाव समाप्त करने पर बल दिया था। इन विचारकों ने पुरुष एवं महिला के समान अधिकार, महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन का समर्थन किया, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तथा महिलाओं के लिए भी समान स्वतंत्रता और अधिकारों का समर्थन किया था। उदारवादी विचारकों में लॉक तथा बेंथम ने मानवीय समानता पर बल दिया था, यानी ह्यूमेन ह्यूमन इक्वलिटी। फिर परंतु महिलाओं की समानता की उपेक्षा की। रूसो जैसे महान मानववादी विचारक ने भी महिलाओं को पुरुषों से बौद्धिक एवं तार्किक रूप से हीन माना, इसलिए महिलाओं की समान शिक्षा का समर्थन नहीं किया। इसने रूसो ने फिर उदारवादी नारीवाद, तो उदारवादी नारीवाद नारीवादी आंदोलन का पहला चरण है, यानी जो फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म वो एक वेव्स के माध्यम से इसको पढ़ा जा सकता है। तो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव और जो पोस्ट मॉडर्न वेव्स है, तो ये सब वेव्स के माध्यम से इसको पढ़ा जा सकता है। मुख्यतः इसकी 3 वेव्स हैं, तो इसको पढ़ेंगे। तो इसकी पहली महत्वपूर्ण प्रवक्ता कौन थी? मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट। उन्होंने अपनी रचना अब इंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट में, तो अब इंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन उनकी एक और बुक है अब इंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, तो ये भी है, मैं महिलाओं के लिए समान अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का समर्थन किया जो पुरुषों को प्राप्त है, क्योंकि महिलाएं भी मूलतः मानव है। वोलस्टोनक्राफ्ट के अनुसार राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में लैंगिक भेदभाव समाप्त किया जा सकता है यदि महिलाओं को शिक्षा एवं अवसर एक विवेकशील प्राणी होने के नाते प्राप्त हो। जॉन स्टुअर्ट मिल और हैरियट टेलर मिल ने एक ऐसे समाज के निर्माण का प्रस्ताव रखा जो तार्किक होगा, जिसमें जन्म के आधार पर लैंगिक भेदभाव स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगा। इसलिए महिलाओं को मताधिकार का अधिकार एवं पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी अमेरिकी विचारकों में विशेषकर बेटी फ्रीडन ने अपनी रचना द फेमिनाइन मिस्टीक में उस सांस्कृतिक मिथ्या को दूर करने का प्रयास किया, जिसमें यह माना जाता है कि घरेलू जीवन में महिलाओं में महिला की सुरक्षा एवं पूर्णता की प्राप्ति होती है।
इसी मानता के कारण रोजगार, राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के प्रवेश को हतोत्साहित किया जाता है। उनके अनुसार महिलाओं के समक्ष सबसे बड़ी समस्या अनाम की समस्या है। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रति फ्रीडन क्या बोलती है कि महिलाओं के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम विच हैज नो नेम। एक्चुअली क्या हुआ था कि बेटी फ्रीडन अमेरिका में किसी एक समुदाय विषय में समुदाय विशेष में इंटरव्यू लेने के लिए गई थी महिलाओं की, जो मतलब शादीशुदा और अच्छा जीवन जी रही थी। लेकिन तो जो बेटी फ्रीडन थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप अपने जीवन से खुश हैं कि नहीं है। तो ज़्यादातर महिलाओं ने, मतलब मेजोरिटी ऑफ महिलाओं ने ये कहा कि उनके पास सब कुछ है, सुख सुविधा सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं। तो प्रॉब्लम का नाम पूछा गया कि प्रॉब्लम क्या है आपको, तो उन्होंने कोई प्रॉब्लम का नाम नहीं बताया, बस ये बताया कि हम लोग खुश नहीं है। तो बेटी फ्रीडन ने इसे क्या कहा, प्रॉब्लम विच हैज नो नेम। महिलाओं में घरेलू कार्यों के कारण निराशा और अप्रसन्नता उत्पन्न होती है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में अपने व्यक्तित्व का विकास करने से वंचित हो जाती हैं वो। फिर उदारवादी नारीवाद की मूल दार्शनिक मान्यता व्यक्तिवादी आधार पर निर्मित है। उसके अनुसार सभी व्यक्तियों का समान नैतिक महत्व है, इसलिए उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अतः लिंग, प्रजाति और धर्म के आधार पर भेदभाव उसे धोना चाहिए। तार्किक रूप में व्यक्ति का महत्व उसकी प्रतिभा, गुण और चरित्र के आधार पर होना चाहिए। इसलिए उदारवादियों ने सभी के लिए समान अधिकारों का समर्थन किया है। किसी भी रूप में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए J.S. मिल ने महिलाओं के लिए समान नागरिकता, समान नागरिक अधिकारों का समर्थन किया। अतः उदारवादी नारीवादी मूलतः सुधारवादी हैं, तो ये रिफॉर्मिस्ट हैं। इसलिए ये मूल रूप से पुरुष और महिला के मध्य समानता के समर्थक हैं, ना कि पितृसत्तात्मक समाज की सत्ता को परिवर्तित करना चाहते। तो ये जो पैट्रियार्कल या पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी होती है उसको ये समाप्त नहीं करना चाहते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, बल्कि ये महिला और पुरुषों के बीच समानता चाहते हैं। समानता हो जाए और समाप्त हो चाहे ना हो, उससे हमसे बहुत मतलब नहीं। इसलिए इनके अनुसार निजी एवं सार्वजनिक जीवन के मध्य विभेद बना रहेगा। तो पर्सनल लाइफ होगी और पोलिटिकल लाइफ होगी, उसके बीच अंतर बना रहेगा। पर्सनल और पॉलिटिकल का जो कॉन्सेप्ट है उसे अरिस्टोटल ने दिया था, अरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि पर्सनल स्फीयर और जो पॉलिटिकल स्फीयर होता है वो दोनों ऑटोनॉमस हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं। तो महिलाओं को पॉलिटिकल स्फीयर से हमेशा हमेशा के लिए अरिस्टोटल ने दूर कर दिया था, ये बात, उनको केवल पर्सनल स्फीयर में सीमित कर दिया था, किसने, अरिस्टोटल। तो यही बात है कि इसलिए इनके अनुसार निजी एवं सार्वजनिक जीवन के मध्य का विभेद बना रहेगा, यानी पर्सनल और पॉलिटिकल में विभेद बना रहेगा, उदारवादी ये मानते हैं। व्यवहारिक उदाहरणों को देखने से यह प्रतीत होता है कि पश्चिमी देशों में महिलाओं को तलाक के अधिकार, गर्भपात व समान वेतन के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। यह उल्लेखनीय बिंदु है कि समकालीन लोकतांत्रिक युग में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। उदारवादी नारीवादी महिलाओं और पुरुषों के मध्य प्रकृति एवं प्रवृत्ति में भेद मानते हैं। तो वो मानते हैं कि महिलाओं और पुरुषों का नेचर और उनकी जो प्रवृत्ति होती है, क्वालिटीज होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। उनके अनुसार महिलाओं का झुकाव परिवार एवं घरेलू जीवन के प्रति स्वाभाविक होता है। अतः फ्रीडन ने महिलाओं के लिए घर एवं परिवार को केंद्रीय रूप से महत्वपूर्ण माना है, लेकिन अमूल नारीवादियों ने इस मानता को अस्वीकार कर दिया है। तो जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो इसको अस्वीकार कर देती हैं कि जो महिलाओं का झुकाव परिवार और घरेलू के प्रति ज्यादा होता है, ये सब वो नहीं मानती हैं, कौन, रेडिकल फेमिनिस्ट। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटी फीडन ने पुरुष और महिलाओं के मध्य सार्वजनिक जीवन में सदैव समानता का समर्थन किया। उदारवादी नारीवादियों के विचार में एक बड़ी त्रुटि है उनकी ओर, जिसकी ओर अमूलवादी नारीवादियों यानी जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं ने ध्यान दिलाया, क्योंकि जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं के अनुसार महिलाओं को व्यक्ति के रूप में नहीं, अभी तो उनका लैंगिक रूप से शोषण हुआ है। तो महिलाओं को व्यक्ति के रूप में नहीं, अभी तो उनका लैंगिक रूप में शोषण हुआ है।
ना, तो जेंडर महत्वपूर्ण रहा है, इस कारण महिलाओं का शोषण हुआ है, उनके लिंग के कारण, उनके जेंडर के कारण उनका शोषण हुआ है। वो व्यक्ति हैं इस कारण उनके साथ शोषण नहीं हुआ है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि महिलाएं पुरुषों के अधीन हैं, बल्कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ विभेद किया गया है। दूसरी ओर जो रेडिकल फेमिनिस्ट के अनुसार उदारवादियों ने मानवीय आधार पर महिलाओं की समस्या को हल करने का प्रयास किया, लेकिन जब तक महिलाओं में एक सामूहिक पहचान, एक ग्रुप आइडेंटिटी और जो है सॉलिडैरिटी निर्मित नहीं होगी, एकता निर्मित नहीं होगी, तब तक लैंगिक समानता प्राप्त नहीं होगी। तो जेंडर इक्वलिटी की आप बात कर भी लेंगे, जब तक आपके पास ग्रुप कॉन्शियसनेस नहीं होगी, आपके पास सॉलिडैरिटी नहीं होगी, तब तक लैंगिक समानता प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए जो अमूल नारीवादी हैं, रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, ने सिस्टरहुड की संकल्पना दी है, भगनी समाज का संकल्पना दी है। नारीवादियों ने लैंगिक विभाजन को दूर करते हुए पुरुष और महिला के मध्य समानता का समर्थन किया है, जबकि अमूल नारीवादी जो रेडिकल फेमिनिस्ट है ने महिला की एक पृथक पहचान और एक पृथक अस्तित्व के लिए संघर्ष है। तो एक सेपरेट, महिलाओं की एक सेपरेट आइडेंटिटी और सेपरेट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ये ऐसा रेडिकल फेमिनिस्ट मानते हैं। जबकि उदारवादी जो लिबरल फेमिनिस्ट है, वो क्या मानते हैं कि महिला और पुरुष के मध्य इक्वालिटी हो, बस इतना। उग्र नारीवाद का विचार, तो उग्र नारीवाद का विचार यानी रेडिकल फेमिनिस्ट का क्या विचार है के अनुसार सार्वजनिक और आर्थिक जीवन में विषमता का मूल कारण पारिवारिक या निजी क्षेत्र में व्याप्त विषमता है। इन्होंने इस विषमता को निम्न रूपों में दर्शाया है, कौन कौन से, पितृसत्ता, सेक्स व जेंडर का घालमेल, घरेलू कार्यों के मूल आकलन पर बल नहीं, तो जो डोमेस्टिक वर्क होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, सेक्स और जेंडर में अंतर होता है, पितृसत्तात्मक, पितृसत्ता यानी जो पैट्रियार्की होती है, राजनीति को केवल सार्वजनिक जीवन तक सीमित करना, ना तो पॉलिटिक्स को केवल पॉलिटिकल स्पीयर तक सीमित करना, और ऐसा किसने किया था, अरिस्टोटल ने, और इस तरह उन्होंने पॉलिटिक्स है उसको पॉलिटिकल स्पीयर तक सीमित करके महिलाओं को हमेशा के लिए पब्लिक स्पीयर से बाहर निकाल दिया। जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की अधीनता व शोषण के मूल कारणों की खोज की। इनके अनुसार सार्वजनिक या निजी जीवन के मध्य का विभाजन, जो पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर है उसका जो विभाजन है, महिलाओं के शोषण का मूल कारण है। यह विभाजन मूलतः पितृसत्तात्मक सत्ता का मूल कारण है। तो यह एक पैट्रियार्की, जो पैटर्नलिस्टिक अथॉरिटी होती है, पैट्रियार्की होती है, उसका मूल कारण है। परंपरागत रूप में राजनीति को सार्वजनिक जीवन की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया तथा पारिवारिक क्षेत्र को निजी जीवन का भाग माना गया, है ना। तो जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसको पब्लिक स्फीयर का पार्ट माना गया, पॉलिटिक्स को पब्लिक स्फीयर, और जो पारिवारिक क्षेत्र है, फैमिली मैटर्स है उसको पर्सनल स्फीयर या प्राइवेट स्फीयर के उसमें देखा गया। हाँ, ये देखिए आ गया ना अरिस्टोटल। तो यह विभाजन मूलतः अरिस्टोटल के विचारों की देन है। अरिस्टोटल ने भी पारिवारिक जीवन को निजी और गैर राजनीतिक क्षेत्र में बांटा था। नारीवादियों के अनुसार राजनीति प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है जहां सामाजिक संघर्ष है, तो पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट इन एवरी एस्पेक्ट, इन एवरी एरिया, एवरी फील्ड, और वेयर देयर इज अ सोशल स्ट्रगल। केट मिलेट ने अपनी प्रसिद्ध रचना सेक्सुअल पॉलिटिक्स में राजनीति को परिभाषित करते हुए कहा कि यह शक्ति संरचना पर आधारित संबंध है। यह शक्ति संरचना पर आधारित संबंध है, इसमें एक समूह द्वारा दूसरे समूह को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है। तो ये पावर स्ट्रक्चर पर आधारित संबंध है, पावर स्ट्रक्चर पर आधारित संबंध है, जहां पर एक ग्रुप के द्वारा फॉर एग्जाम्पल मेल को दूसरे ग्रुप को सबॉर्डिनेट करने की, कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए सरकार एवं नागरिकों के मध्य का संबंध, कर्मचारियों एवं मालिकों के मध्य का संबंध, परिवार में पति व पत्नी के मध्य का संबंध, पिता व बच्चे के मध्य का संबंध राजनीति का क्षेत्र है। तो केट मिलेट क्या कहती हैं कि सब कुछ राजनीति है, सरकार नागरिक के बीच संबंध होगा, कर्मचारी मालिक, पति पत्नी, है ना, बच्चे और पिता, तो ये सब पॉलिटिक्स है। इसलिए साइमन दी बुआ का प्रसिद्ध कथन है, जो व्यक्तिगत है
वही राजनीतिक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल, पर्सनल इज पॉलिटिकल के कौन बोलते हैं, सिमोन दी बुआ, सिमोन दी बुआ क्या बोलती हैं, पर्सनल इज पॉलिटिकल। नारीवादियों के अनुसार परिवार में महिलाओं का शोषण होता है, इसलिए इन्होंने राजनीति को प्रतिदिन की राजनीति कहा है। तो ये बात है, अतः घर में कार्य का विभाजन, घरेलू दायित्वों का निर्वहन भी राजनीति है। इसके अनुसार निजी जीवन का सारा दायित्व महिलाओं पर छोड़ दिया गया, उनके अनुसार निजी जीवन का सारा दायित्व महिलाओं पर छोड़ दिया गया। निजी जीवन का उत्तरदायित्व राज्य या अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को सौंपे जाने चाहिए। बच्चों के पालन पोषण का दायित्व नर्सरी या कृषि द्वारा किया जाना चाहिए। नारीवादियों ने उदारवादी एवं मार्क्सवादी विचारों का प्रभावी विकल्प प्रस्तुत किया। उन्होंने महिलाओं के लिए एक विशिष्ट और वैकल्पिक दृष्टिकोण निर्माण किया। नारीवादियों ने वर्तमान राज्य का विश्लेषण करते हुए कहा कि राज्य एक तथास्थ संस्था नहीं है, यानी स्टेट इज नॉट अ न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन। स्टेट न्यूट्रल नहीं है क्योंकि राज्य के द्वारा महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। पुरुषों एवं महिलाओं की पहचान अलग अलग रूपों में निर्मित होती है। महिलाओं के ऊपर राज्यों की शक्ति एवं प्रभुत्व का अनेक रूपों में प्रयोग होता है। अनेक देशों के राष्ट्रीय जीवन में महिलाओं को माँ की संज्ञा दी जाती है। इन्हें देश की सांस्कृतिक धरोहर का संवाहक माना जाता है क्योंकि बच्चों को जन्म देती हैं, इनका पालन पोषण करती हैं, भविष्य की पीढ़ी को तैयार करती हैं। कैरोल पेटमैन ने तो यहाँ तक कहा है कि पित सत्ता के अधीन रहते हुए महिलाएं स्वतंत्र नहीं हो सकती हैं। तो अंडर पैट्रियार्की वुमेन कैन नेवर बी फ्री, कैरोल पेटमैन कहती हैं। इसलिए उन्होंने राज्य के निर्माण के जो सामाजिक समझौता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है, कौन देता है? लॉक। सबसे पहले कौन देता है? हॉब्स, फिर लॉक, फिर रूसो भी इससे एसोसिएटेड है। वर्तमान समय में रॉल्स भी इससे एसोसिएटेड, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रयोग किया। महिलाएं अभी भी निर्माण क्या था कि इसलिए उन्होंने राज्य के निर्माण के सामाजिक समझौते सिद्धांत का खंडन किया। उनके अनुसार महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में रह रही, तो महिलाएं अभी भी स्टेट ऑफ नेचर में है। महिलाओं के लिए चयन की स्वतंत्रता निरर्थक है, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस महिलाओं के लिए कोई मायने नहीं रखती क्योंकि उन्हें अपने शरीर पर ही स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्रीडम ओवर देयर बॉडी इट्सेल्फ। इसलिए कैरोल पेटमैन ने कल्याणकारी राज्य को पित सत्ता राज्य कहा है। तो जो वेलफेयर स्टेट है उसे कैरोल पेटमैन क्या कहती है? ये पैट्रियार्कल स्टेट है या पैटर्नलिस्टिक स्टेट। नारीवादियों के अनुसार महिलाओं की स्वतंत्रता का अभिप्राय निम्नलिखित है: बच्चे पैदा करने की स्वतंत्रता, विवाह की स्वतंत्रता, गर्भपात का अधिकार, घरेलू हिंसा से मुक्ति। उपरोक्त स्वतंत्रता मिलने के पश्चात ही महिलाओं के लिए नागरिक व आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व होगा। नारीवादियों ने जॉन राल्स के न्याय सिद्धांत का जोरदार खंडन किया है क्योंकि नारीवादियों के अनुसार राल्स ने पित सत्ता को स्वाभाविक माना है। राल्स जो पैटर्नलिस्टिक अथॉरिटी होती है, पैट्रियार्की को नेचुरल मानते हैं। न्याय तार्किक व्यक्तियों के समझौते का परिणाम नहीं है क्योंकि महिलाएं पित सत्ता के अधीन। फिर जो डॉल्स हैं क्या बोलते हैं कि जस्टिस इज द आउटकम ऑफ रेशनल कॉन्ट्रैक्ट। तो रेशनल पीपल उनके कॉन्ट्रैक्ट का, उनके समझौते का परिणाम है जस्टिस। तो जो फेमिनिस्ट हैं, रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, वो रॉल्स को मतलब उनका खंडन करती हैं क्यों? उनका मानना है कि जो महिलाएं हैं वो पित सत्ता के अधीन है, तो वो रेशनल डिसीजन मेकर हैं ही नहीं, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में आने से ना आने से कोई फर्क तो ही पड़ता। ये बात है। ओकिन के अनुसार राल्स ने परिवार को नागरिकता की पाठशाला एवं नागरिकों को सामाजिक बनाने का मूल स्थान माना, लेकिन उन्होंने परिवार में लैंगिक न्याय को अनदेखा कर दिया और परिवार को न्यायपूर्ण मान लिया और न्याय की मान्यता को सार्वभौमिक और निष्पक्ष भी कहा, जबकि नारीवादियों ने सार्वभौमिकता एवं समानता के बजाय विभेद पर बल दिया। तो ये यूनिवर्सलिज्म का जो कॉन्सेप्ट देते हैं कौन? रॉल्स, और इक्वालिटी, उसके बजाय जो फेमिनिस्ट हैं वो डिफ्रेंसिएशन की बात करती हैं। डिफ्रेंसिएशन
की बात करती हैं। इनके अनुसार समाज में निकटता, देखभाल और सहानुभूति जैसे नारीवादी मूल्यों को स्थापित करना ही न्याय। ऐसा कौन बोलता है? राल्स बोलता है कि समाज में निकटता, देखभाल और सहानुभूति जैसे नारीवादी मूल्यों को स्थापित करना ही न्याय। पितृसत्ता क्या होती है? नारियों के अनुसार, नारीवादियों के अनुसार, फेमिनिस्ट के अनुसार, जेंडर सामाजिक वर्ग, प्रजाति या धर्म की भांति एक महत्वपूर्ण सामाजिक संरचना। जेंडर सबसे गहरा एवं राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विभाजन। अतः नारीवादियों की विचारधारा सेक्सुअल पॉलिटिक्स पर आधारित है। उनके लिए सेक्स के आधार पर ठीक उसी प्रकार से शोषण होते हैं जैसे शोषण प्रजाति आधारों पर होते हैं। पूरे समाज का आधार इस लैंगिक विषमता और लैंगिक शोषण पर निर्मित है। अतः पितृसत्ता का अभिप्राय पुरुष और महिलाओं के मध्य शक्ति संबंध से है। पितृसत्ता का समान अर्थ पिता का शासन है। इसका संकीर्ण रूप में परिवार में पिता पति पिता की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में देखा जाता है तथा महिलाएं और बच्चे उनके अधीन होते हैं। जबकि पितृसत्ता का व्यापक अर्थ पुरुष की सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी ऑफ मेल, पुरुषों के प्रभुत्व का द्योतक है जो समाज में व्यापक रूप में पाया जाता है। नारीवादियों के अनुसार परिवार में पिता की प्रधानता व अन्य सभी संगठनों में पुरुष प्रधानता स्थापित करती है। उदाहरण शिक्षा के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में पुरुषों की प्रधानता है। अतः पितृसत्ता का अर्थ परिवार और बाह्य जीवन में पुरुषों के शासन से। प्रसिद्ध नारीवादी विचारक कैट मिलेट के अनुसार पितृसत्तात्मक सरकार एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था है जिसमें आधी महिलाओं की जनसंख्या पर आधे पुरुषों का नियंत्रण। तो जो पैटर्नलिस्टिक स्टेट है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जो हाफ ऑफ मेल डोमिनेट ओवर हाफ ऑफ फीमेल। अतः पितृसत्ता का स्वरूप ही सोपानिक है। फिर नारीवादी विचारकों के अनुसार सभी प्रकार के संस्कृतियों और विभिन्न प्रकार के काल क्रम में कम और अधिक महिलाओं का शोषण देखा जा सकता है। नारीवादी आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां पश्चिमी देशों में मतदान के अधिकार, शिक्षा तक पहुंच, विवाह और तलाक के नियमों में परिवर्तन एवं गर्भपात को वैधानिक बनाना है। लेकिन विकासशील देशों में अभी भी महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। पितृसत्ता का यह उदाहरण है कि आज तक महिलाओं के घरेलू कार्यों का मूल्यांकन नहीं हो सका, जबकि महिला द्वारा किए गए घरेलू कार्य बाह्य जीवन में किए गए कार्यों से किसी भी रूप में कम महत्वपूर्ण नहीं होते। तो डोमेस्टिक वर्क को जीडीपी में ही शामिल नहीं किया जाता। पर अगर मम्मी कपड़ा ना धोएं या कि कोई अगर काम घर में खाना ना बनाए तो क्या मूल्य है उसका? कोई मूल्य ही नहीं, अमूल्य है। लिंग और जेंडर क्या है? तो नारी विरोधी तर्कों और परंपरावादियों के अनुसार समाज में लैंगिक विभाजन प्राकृतिक है, यानी जो सेक्सुअल डिवीजन है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। भाई सेक्स कोई फीमेल होगा कोई मेल होगा तो ये तो नेचुरल है ना, ये नेचुरल है। तथा महिलाओं एवं पुरुष अपने उन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। तो आप फीमेल हैं तो आप वही काम करेंगे जो एक फीमेल करती है, और अगर मेल हैं तो आप वही काम करेंगे जो एक मेल करता है, जो कि प्राकृतिक प्रदत्त है ना, जो नेचुरली गिवन है। महिलाओं की शारीरिक बनावट भी समाज में घरेलू कार्यों के लिए उपयोगी है। अतः संक्षेप में महिलाओं की अधीनता के पीछे जैविक तर्क दिए जाते हैं, लेकिन ये सभी तर्क निरर्थक हैं। जो ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल फैक्ट दिए जाते हैं महिलाओं की अधीनता के लिए वो निरर्थक हैं। क्यों? क्योंकि जैविक तर्कों के आधार पर सामाजिक विषमता का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन लिंग और जेंडर में घालमेल के कारण महिलाओं को प्राकृतिक रूप में माँ और पत्नी की भूमिका प्रदान कर दी गई है। उदाहरण के लिए बच्चों का पालन पोषण करना सांस्कृतिक है, जैविक नहीं। मातृत्व की क्षमता जैविक है, लेकिन महिलाओं की भूमिका घर तक सीमित करना सांस्कृतिक है, जो कि पितृसत्ता के प्रभाव के कारण है। तो सेक्स नेचुरल है, लेकिन जेंडर एक कल्चरल हो चुका है। जेंडर कल्चर है, क्यों?
क्यों जेंडर से एसोसिएटेड आपने बहुत सारे नॉर्म्स बना दिए हैं कि महिलाएं बच्चों का पालन पोषण करेंगी, है ना, उनकी भूमिका घर तक ही सीमित है। तो ये सब कल्चरल है, ये सब सोशल है, ये सेक्सुअल नहीं है। सेक्सुअल इन द सेंस कि मतलब नेचर ने कोई ऐसा डिवीजन नहीं किया है कि महिलाएं ही घर में रहेंगी, है ना, पुरुष बाहर जाएंगे। नेचर ने ऐसा कुछ नहीं किया, नेचर ने केवल दो सेक्स बनाए हैं, उनके आधार पर बहुत सारे विभाजन है कि हाँ अब बच्चों का जन्म देना है तो एक महिला ही कर सकती है। हालांकि आवाज तो आजकल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो नेचुरल नेचुरल था तो बच्चों को अगर जन्म देना है तो एक महिला ही कर सकती है, वो पुरुष नहीं कर सकता, तो वो डिवीजन नेचुरल है। लेकिन जेंडर के आधार पर आप इसी है ना क्वालिटी को लेके आप अगर यही कहते हैं कि बच्चों का भरण पोषण करना महिलाओं की ही जिम्मेदारी है तो ये फिर कल्चरल हो जाए। जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, विचारक हैं, ने तो यहाँ तक कहा है कि घर में महिलाओं के लिए आरामदायक प्रताड़ना शिविर, घर क्या है, महिलाओं के लिए आरामदायक प्रताड़ना शिविर। मैरी डेवी ने तो यहाँ तक कहा है कि हम लोग एक महिला विरोधी समाज में रह रहे हैं, इसमें पुरुष सामूहिक रूप में महिलाओं का शोषण करते हैं। मैकिनोन के अनुसार पुरुषों का प्रभुत्व महिलाओं पर, घर में, बिस्तर पर, रोजगार में, सड़क पर, पूरे जीवन पर है। नारीवादियों के अनुसार घरेलू दायित्व का विभाजन परिवार में विषम होता है तथा यह दायित्व सर्वाधिक महिलाओं पर है। नारीवादियों के अनुसार जेंडर एक जेंडर एक सांस्कृतिक संकल्पना है, कल्चरल कॉन्सेप्ट है, जिसमें समाज द्वारा महिला और पुरुष के लिए अलग अलग भूमिकाएं निर्धारित कर गई हैं, है ना। आपका सेक्स अलग है, आप फॉर एग्जांपल फीमेल हैं, तो इस आधार पर कल्चर, तो ये तो है ना सेक्सुअल, मतलब जो सेक्सुअल डिवीजन हुआ तो नेचुरल हो गया, लेकिन फीमेल की यही क्वालिटी है ना, उनका जो भूमिकाएं हैं वो अलग अलग निर्धारित की गई हैं, ये फिर सांस्कृतिक हो जाता है। इसलिए सिमोन डी बूवा ने माना है कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। वन इज नॉट बॉर्न वुमेन, वन बिकम्स वुमेन, वन इज नॉट बॉर्न वुमेन, है ना। ऐसे नॉर्म्स बना दिए जाते हैं, ऐसी धारणाएं विकसित कर दी जाती हैं कि महिला को महिला होने पर विवश कर दिया जाता है, क्योंकि सामाजिक विषमता को जैविक विषमताओं से जोड़ दिया जाता है। जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं उन्हें नेचुरल, जो ऑर्गेनिक नेचुरल विषमताएं हैं उनसे जोड़ दिया जाता है। जबकि जेंडर पर आधारित विभेद समाज या राज द्वारा निर्मित है। तो जेंडर के आधार पर, ये आपका जेंडर है, आप यही काम करेंगे, ये राज्य समाज बनाता है। संपत्ति के उत्तराधिकार में भी महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अमूल नारीवादियों ने पुरुष और महिलाओं के मध्य विभेद स्वीकार किया है। उनके अनुसार जब तक यह सामाजिक और सांस्कृतिक विभेद महिलाओं के साथ होंगे, तब तक सार्वजनिक या राजनीतिक जीवन में उनकी भूमिका सेकेंडरी ही रहेगी। नारीवादी विचारकों के अनुसार उनका आंदोलन पुरुष के अधीन बनाने का या स्वयं पुरुष बनने का नहीं है ना। तो जो नारीवादी हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, वो उनके अनुसार उनका आंदोलन पुरुष को अधीन बनाने के लिए, हम जो फीमेल है उनको सबॉर्डिनेट नहीं करना चाहते हैं, क्या कि मेल जो फीमेल है उसको मेल बना दे, ये हमारा आंदोलन का उद्देश्य नहीं है, अपितु वे समाज में महिलावादी मूल्यों को प्राथमिकता प्रदान करने की पक्षधर। अतः देखभाल और भावना जैसे गुण समाज और मानवता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण। यद्यपि कुछ अतिवादी अमूल नारीवादियों ने पुरुष और महिलाओं के मध्य शोषण को समाप्त करने के लिए विवाह जैसी संस्थाओं को अस्वीकृत कर दिया, तथा उनके अनुसार विवाह महिलाओं के शोषण के लिए नहीं अभी तो प्रकृति के शोषण के लिए उत्तरदायी। तो विवाह पुरुष महिलाओं के शोषण के लिए नहीं अभी तो प्रकृति के शोषण के लिए उत्तरदायी। पुरुष निजी और सार्वजनिक जीवन में भेद, तो पब्लिक और पर्सनल या पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में क्या भेद है उसको देखते हैं। तो राजनीति की परंपरागत मान्यता के अनुसार राजनीतिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, निजी क्षेत्र से नहीं। जो पॉलिटिकल स्पीयर है वो पब्लिक स्पीयर से एसोसिएटेड है, प्राइवेट स्पीयर से नहीं। अतः इस परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति का यह सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी संस्थाओं, राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और सार्वजनिक वाद विवाद से है। इसलिए समानतः परिवार को निजी जीवन के क्षेत्र का भाग नहीं माना जाता। इसलिए
समानता परिवार को निजी जीवन का क्षेत्र माना जाता है। इस पारिवारिक जीवन को गैर राजनीतिक माना गया है, तो ये नॉन पॉलिटिकल है। लेकिन आधुनिक जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं, राजनीति सभी सामाजिक समूहों में विद्यमान है। अतः जहां भी और जिस प्रकार भी सामाजिक संघर्ष पाए जाते हैं वहां राजनीति उपस्थित है। केट मिलेट के अनुसार राजनीति का आशय सख्त संरचना के उन संबंधों से है जिनमें एक समूह के लोगों के द्वारा एक समूह के लोगों का नियंत्रण दूसरे द्वारा समूह द्वारा होता है। इसलिए परिवार में पति और पत्नी के मध्य संबंध भी राजनीतिक हैं। इस प्रकार एक कारखाने में नियोक्ता और मजदूर के संबंध या सरकार और व्यक्ति के संबंध नारीवादी विचारकों के अनुसार जो उनके निजी जीवन का क्षेत्र है वही राजनीतिक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल। क्योंकि अभी तक सार्वजनिक जीवन का आशय पुरुष का जीवन और निजी जीवन का आशय महिला का जीवन माना जाता है, तो अभी तक ट्रेडिशनल थिंकिंग है क्या है कि पर्सनल जो पब्लिक स्पीयर है वो मेल से बिलोंग करता है और जो प्राइवेट स्पीयर है वो फीमेल से बिलोंग करता है। नारीवादियों के अनुसार राजनीति उनके प्रतिदिन से संबंधित क्रियाकलापों से है, क्योंकि महिलाओं को अभी भी नितांत निजी जीवन पर नियंत्रण प्राप्त नहीं है। उदाहरण के लिए विवाह का अधिकार, गर्भपात का अधिकार एवं घरेलू जीवन में महिला पितृसत्ता के अंतर्गत शोषित है। श्रम के लैंगिक विभाजन को समाज में राजनीति के बजाय प्राकृतिक मान लिया गया, इसलिए राजनीति कला एवं साहित्य जैसे क्षेत्रों में पुरुषों का प्रभाव हुआ है और महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र से वंचित कर घरेलू क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया। अतः नारीवादियों के अनुसार महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में हैं, नेचुरल स्टेट में हैं, ऐसा कैरोल पीटमैन मानती हैं। अतः अधिकार, स्वतंत्रता एवं न्याय जैसी संकल्पनाओं का महिलाओं के लिए कोई महत्व नहीं। अतः कल्याणकारी राज्य मूलतः पितृसत्तात्मक या पैटर्नलिस्टिक स्टेट। समाजवादी नारीवाद, तो 20वीं सदी के मध्य से समाजवादी नारीवाद विचारधारा प्रभावी हुई। अतः उदारवादी विचारधारा के विपरीत समाजवादी नारीवादियों ने महिलाओं को केवल राजनीतिक और वैधानिक रूप से ही नहीं में समानता देने का समर्थन नहीं किया, अपितु लिंग के मध्य असमान संबंध सामाजिक आर्थिक संरचना के परिणाम स्वरूप है। जब तक समाज में सामाजिक आर्थिक संरचना में अमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं हो सकती। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट वर्ष 1998 के अनुसार महिलाएं पूरी दुनिया की जनसंख्या का 50% है और समूचे कार्य के घंटों के 2/3 हिस्से का संपादन करती हैं, लेकिन उनकी आय विश्व आय का 1/10 भाग है और विश्व की संपत्ति में महिलाओं का 1% हिस्सा भी नहीं। अतः समाजवादी नारीवादी के अनुसार पितृसत्तात्मक सत्ता को बेहतर रूप में सामाजिक आर्थिक कारकों के माध्यम से देखा जा सकता है। इसका पहला उदाहरण फ्रेडरिक एंजल्स के विचारों में मिलता है। उन्होंने अपनी रचना द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में वर्णित किया है। पूंजीवादी व्यवस्था और निजी संपत्ति के प्रादुर्भाव से महिलाओं की स्थिति वंचित हुई है, क्योंकि पूंजीवादी के विकास के पहले पारिवारिक जीवन साम्यवादी और समाज मात्र सत्तात्मक था, लेकिन पूंजीवाद के उदय के परिणाम स्वरूप निजी संपत्ति पर पुरुषों का अधिकार हो गया तथा मां का अधिकार सदैव के लिए समाप्त हो गया। यह विश्व इतिहास में महिलाओं की ऐतिहासिक पराजय है और एंजल्स के अनुसार महिलाओं का शोषण परिवार नामक संस्था द्वारा ही होता है, जिसमें महिलाओं को परिवार में समान अधिकार प्राप्त नहीं होता तथा महिलाओं के विषय में दंत कथाओं और रोमानी प्रेम से संबंधित कर दिया जाता है, जबकि वास्तविकता में पुरुष अपने विशेष अधिकार और संपत्ति की रक्षा के लिए एक ढोंग रचता है। इसलिए एंजल्स के अनुसार समाजवादी समाज में विवाह नहीं होगा तथा जैसे ही निजी संपत्ति की समाप्ति होगी पितृसत्ता का अंत स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। 20वीं सदी की समाजवादी विचारधारा विचारक क्लेरा जेटकिन के अनुसार वर्ग का मुद्दा लिंग से प्राथमिक है। इनके अनुसार बुर्जुआ महिला और सर्वहारा महिला के मध्य विषमता है, इसलिए शिक्षा का समान अधिकार, रोजगार और समान वैधानिक स्थिति से महिलाओं की समस्या हल नहीं होगी। कुछ समाजवादी महिलावादियों के अनुसार महिला को घरेलू कार्यों में सीमित कर देना और महिला का संबंध मातृत्व से जोड़ना पूंजीवाद के आर्थिक हित में है, क्योंकि महिलाएं एक प्रकार से श्रम की सुरक्षित भंडार है, अतः उनको काम में लाया जा सकता है जब उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता हो, लेकिन जब आर्थिक मंदी का चरण हो तब उन्हें घरों में
वापस भेजा जा सकता है। इससे भी बढ़कर महिलाओं की भूमिका अस्थायी कार्मिकों के रूप में होती है, उन्हें कम वेतन प्राप्त होता है एवं उनके रोजगार भी बेहतर नहीं होते। इसी के साथ महिलाओं के घरेलू काम श्रम के कारण ही अर्थव्यवस्था कुशल और प्रभावी होती है तथा महिलाएं बच्चों के पालन पोषण के द्वारा अगली पीढ़ी के लिए श्रमिक तैयार करती और उत्पादन बनाए रखने की गारंटी प्रदान करती हैं। महिलाओं से यह भी अपेक्षा रखी जाती है कि वे एक आज्ञाकारी एवं अनुशासित श्रमिक का निर्माण करें। महिलाओं के घरेलू कार्यों के कारण ही पुरुषों को घरेलू कार्य और महिलाओं के पालन पोषण के कार्य से मुक्ति मिलती है, लेकिन पुरुष का कार्य उत्पादक माना जाता है, जबकि महिलाओं के घरेलू श्रम का कोई मूल नहीं होता तथा परंपरागत परिवार में एक व्यक्ति इसलिए बेहतर रोजगार पा जाता है क्योंकि उसके पीछे महिला एवं बच्चों का समर्थन प्राप्त होता है। महिलाएं ही संघों की निराशा और अलगाव को दूर करती हैं। समाजवादी नारीवादियों के अनुसार घरेलू कार्यों के महत्व और मूल्य न होने के कारण ही महिलाओं की समाज में दुर्लभ स्थिति है और वित्तीय रूप से अपने पति पर निर्भर है, इसलिए आर्थिक विषमता स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। अतः कोष्टा के अनुसार महिलाओं के घरेलू श्रम का आकलन अभी तक किया ही नहीं गया, इसलिए जब तक महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे तब तक महिलाओं का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए महिला के मुद्दे को सामाजिक एवं आर्थिक जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। अतः समाजवादियों के अनुसार वर्गीय शोषण ज्यादा गहरा एवं प्रभावकारी है, न कि लैंगिक शोषण। इसका तार्किक अभिप्राय है कि महिलाओं का शोषण पुरुषों के द्वारा नहीं अपितु पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है। अतः समाजवादी क्रांति के पश्चात महिलाओं की मुक्ति स्वाभाविक रूप से हो आलोचना देख लेते हैं। इसमें तो जो आधुनिक समाजवादी हैं, आधुनिक समाजवादी नारीवादी वर्गीय राजनीति को लैंगिक राजनीति से प्राथमिकता प्रदान करते हैं। इन नारीवादियों के अनुसार समाजवाद स्वाभाविक रूप में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंत का कारण होगा, ऐसा व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जो सोवियत संघ था जैसे समाजवादी व्यवस्था में महिलाओं के साथ उत्थान पर तुलनात्मक रूप से उतना बल प्रदान नहीं किया गया था। तो जो सोवियत संघ था सार था, स्टालिन के राज में तो बहुत ज़्यादा महिलाओं पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे। हालांकि लेनिन ने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए थे, यहाँ तक कि अपनी कैबिनेट में भी महिलाओं को स्थान दिया था, लेकिन स्टालिन ने ऐसा नहीं किया। तो ये जरूरी नहीं है समाजवाद स्वाभाविक रूप में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंदर का कारण होगा। इसलिए नारी मुक्ति का मुद्दा ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा गहरा है। केवल पूंजीवादी व्यवस्था के समाप्त होने से लैंगिक उत्थान को मान लेना पूर्णतः सत्य प्रतीत नहीं होता। ब्लैक फेमिनिज्म क्या है? तो इसमें फेमिनिज्म दोस्तों आज के डेट में एक मेटा आइडियोलॉजी बन चुकी है। मेटा आइडियोलॉजी क्या होती है? एक ऐसी आइडियोलॉजी कि देयर आर डिबेट्स विद इन द फेमिनिज्म। फॉर एग्जाम्पल जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी होती है तो उसमें भी बहुत सारे सोशल लिबरलिज्म है, फिर क्लासिकल लिबरलिज्म है, मॉडर्न लिबरलिज्म है, तो बहुत सारे उसमें डिबेट्स हैं। इसी प्रकार फेमिनिज्म में भी ब्लैक फेमिनिज्म हो गया, फिर वाइट फेमिनिज्म ना, पोस्ट इंडस्ट्रियल इरा का जो फेमिनिज्म है ना, सबाल्टर्न फेमिनिज्म, तो उसके अंदर ही बहुत सारे डिबेट है। इस प्रकार जो फेमिनिज्म है वो मेटा आइडियोलॉजी बन चुका है। तो ब्लैक फेमिनिज्म को पढ़ते हैं। और नारीवादी आंदोलन एवं विचारधारा को अमेरिका की श्वेत महिलाओं के द्वारा आरंभ किया गया और एंजेला डेविस ने कहा कि अश्वेत महिला की समस्या को किसी ने नहीं उठाया, क्योंकि अश्वेत महिलाएं दो प्रकार के शोषण का शिकार, कौन कौन से? पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की, और दूसरा प्रजाति भेदभाव। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी है। इसलिए अश्वेत नारीवादियों ने नारीवादी विचारधारा की दृढ़ता को स्वीकार नहीं किया। अश्वेत जो ब्लैक फेमिनिस्ट हैं के अनुसार वर्ग और व्यक्ति की संकल्पना अमूर्त है, क्योंकि समाजवादी नारीवादी भी रंग भेद के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते। उदारवादी नारीवादी में एक संस्कृति या समूह को श्रेष्ठ मान लिया जाता है तथा अश्वेत नारीवादी विभेद या अंतर के मुद्दे को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन अश्वेत नारीवादियों का विरोध इस मूल मुद्दे पर है कि सभी महिलाएं समान हैं। महिलाओं की समानता में यह अंतर निहित है कि गोरी महिलाएं विश्व
विद्यालय से पढ़ी लिखी एवं मध्यम वर्ग की पृष्ठभूमि से हैं। ब्रिटेन के संदर्भ में महिलाओं का यह मानना कि वे बाहरी मानी जाती हैं, उनकी संस्कृति का कोई महत्व नहीं है, उन्हें प्रजातीय रूप से असामान्य माना जाता। अश्वेत नारीवादियों ने अपनी इस वंचित स्थिति के प्रति विरोध दर्ज किया तथा इकहरी पहचान जो मोनोटोनस या मोनोगैमस जो पहचान है आइडेंटिटी है की मान्यता को खंडित किया है। इसलिए माना जाता है कि बस होता है उनके लिए पित सत्तात्मक और प्रजाति भेदभाव दोनों महत्वपूर्ण, तो रेशियल प्लस पैट्रियार्की दोनों महत्वपूर्ण। गेल रूबिन के अनुसार अश्वेत महिलाओं का अस्तित्व ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी पहचान इस समाज में अनुपस्थित है। इसलिए अश्वेत महिलाएं लिंग, प्रजाति एवं वर्ग सभी भेदों की शिकार है। वर्ष 1970 के दशक में अमूल नारीवादियों ने इन मुद्दों को गंभीरता से लिया जिन्हें अश्वेत नारीवादियों ने उठाया था। इको फेमिनिज्म, तो पारिस्थितिकी नारीवाद शब्द का पहला प्रयोग फ्रांसीसी महिला वादी विचारक फ्रांकोइस डी औबोन ने किया था। कब? 1974 में। फ्रांकोइस डी औबोन 1974 में पहली बार किया था। फिर जो इको फेमिनिज्म है, जैसे जो इको फेमिनिस्ट कौन कौन से हैं, जैसे सुजैन ग्रिफिन, मैरी डेली, वंदना शिवाय नाम महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में। जैसे विचारकों ने प्रकृति पर मानवीय प्रभुत्व को समझने का प्रभाव किया है। जैसे मानव का प्रकृति पर नियंत्रण होता है, वैसे ही पुरुष ने महिला पर नियंत्रण किया है। इनके अनुसार मानव ने प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया, ठीक उसी प्रकार पुरुषों ने महिलाओं पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। नारीवाद की अधीनता प्रकृति की अधीनता के समान है। नारीवादियों का मानना है कि महिलाओं का स्वभाव प्रकृति से ज्यादा निकट होता है और जिस प्रकार पितृसत्ता के द्वारा प्रकृति का शोषण किया गया है, ठीक उसी प्रकार पितृसत्ता के द्वारा पर्यावरण का भी विनाश हुआ। महिलाओं का मूल गुण देखभाल, प्रेम, सहानुभूति करना है, जो गुण मूलतः प्रकृति में ही पाए जाते हैं, परंतु पितृसत्ता के द्वारा जिस संस्कृति का निर्माण किया गया है उससे महिलाओं के गुणों की अपेक्षा की गई। कल्चरल फेमिनिज्म क्या है? सांस्कृतिक नारीवाद। तो इको फेमिनिज्म होता है, या इको फेमिनिस्ट हैं, वो मानते हैं कि पितृसत्ता द्वारा निर्मित की गई संस्कृति जीवन विज्ञान पर हावी हो जाती है, क्योंकि जैविक रूप में महिलाओं का स्वभाव प्रकृति जैसा है, जबकि सांस्कृतिक रूप में पितृसत्ता का प्रभाव है। फिर स्पिरिचुअल फेमिनिज्म क्या है? सभी वस्तुओं में अपने जैसा दिखने लगे तो उसे आध्यात्मिक कहा जाता है। आध्यात्मिक नारीवाद यह मानते हैं कि प्रकृति के सबसे ज्यादा नजदीक महिलाएं हैं, जबकि परिवर्तनकारियों का मानना है कि प्रकृति के साथ संबंध के अलावा महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी होना चाहिए। नारीवाद की आलोचना, तो इको फेमिनिस्ट हैं की आलोचना क्या है कि महिलाओं के स्वभाव को प्रकृति के समान बताना महिलाओं के शोषण का मूल कारण है। इसलिए क्योंकि प्रकृति के नाम पर महिलाओं को परंपरागत दायित्व सौंप दिए जाते हैं। लेस्बियन फेमिनिज्म क्या है? यह अमूल नारीवाद का अत्यधिक अमूलवादी रूप है, यानी रेडिकल फेमिनिज्म है उसका भी रेडिकल फॉर्म है, ये उसका भी रेडिकल वर्जन लेस्बियन फेमिनिज्म। इसमें यह कहा गया है कि पुरुष महिलाओं के शोषक हैं, इसलिए महिलाओं को पुरुषों के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि सिस्टरहुड भगनी को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। तो सिस्टरहुड की ये बात करते हैं लेस्बियन फेमिनिज्म वाले। रेडिकल फेमिनिस्ट हैं ने समुच्चय महिलाओं के हितों को एक जैसा माना, जबकि लेस्बियन नारीवादी अभी भी हाशिए पर। उत्तर उपनिवेशवादी नारीवाद, तो पोस्ट इंडस्ट्रियल या पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, ये क्या है? नारीवाद का विचार यूरोप से शुरू हुआ। गायत्री स्पिवाक ने कहा है कि समूचा नारीवाद चिंतन एवं नारीवादी विचारधारा पश्चिम केंद्रित है, यानी वेस्टर्न सेंटर्ड है। पूरा ये जो फेमिनिज्म का आइडिया है ये पूरी तरह से वेस्टर्न सेंटर्ड है, जो उपनिवेशवादी समाजों के लिए
बहुत उपयोगी नहीं। पश्चिमी चिंतन अभी भी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, इसलिए पश्चिम के नारीवादी विचार एशियाई अफ्रीकी नारियों और महिलाओं को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और उनके पहनावे पर भी आपत्ति व्यक्त करते हैं। समानता बनाम विभेद, तो इक्वलिटी, इक्वलिटी वर्सेस डिफ्रेंसिएशन। तो यद्यपि नारीवादी विचारधारा का मूल उद्देश्य पित सत्ता और लैंगिक शोषण को समाप्त करना है, इसलिए आरंभिक रूप में नारीवादियों ने पुरुषों और महिलाओं के मध्य समानता पर बल दिया है। मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट मिल हैरियट टेलर ने महिलाओं के लिए समान राजनीतिक और वैधानिक अधिकारों की मांग की। अतः परंपरागत रूप में नारीवादी आंदोलन सार्वजनिक जीवन में समानता का आंदोलन था, लेकिन अमूल नारीवादियों ने महिलाओं की समानता घरेलू एवं व्यक्तिगत जीवन में स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने विभेद किए विभेद या अंतर को महत्व दिया। तो परंपरागत रूप से नारीवादी आंदोलन सार्वजनिक जीवन में समानता का अंतर, पब्लिक स्पीयर में जो ट्रेडिशनल फेमिनिस्ट मूवमेंट था वो पब्लिक स्पीयर में मेन और वीमेन के प्रति इक्वलिटी की बात करता था, मेल और फीमेल के प्रति इक्वलिटी की बात करता था। लेकिन जो रेडिकल फेमिनिस्ट है, रेडिकल फेमिनिस्ट ने चीजों को अपसाइड डाउन चेंज कर दिया। अब वो प्राइवेट स्पीयर में भी इक्वलिटी की बात करती हैं, प्राइवेट स्पीयर में। और उनका फेमस कथन है कि पर्सनल इज पोलिटिकल। इनके अनुसार समानता का अभिप्राय महिलाओं की पहचान पुरुष आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समानता का अभिप्राय महिलाओं के गुणों को मान्यता प्रदान करना है। अतः समानता महिलावादी रूप में भी होनी चाहिए। इसलिए रेडिकल फेमिनिस्ट ने सिस्टरहुड पर बल दिया, पर्सनहुड पर नहीं। जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं ने महिला की स्वतंत्रता से बढ़कर महिला की मुक्ति के समर्थक हैं। और जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो महिला की जो फीमेल फ्रीडम ऑफ फीमेल लिबर्टी ऑफ मेल से बढ़कर किसकी बात करते हैं, लिबरेशन ऑफ वुमेन। तो वुमेन को लिबरेट किया जाना चाहिए। ये केवल जेंडर समानता के ही नहीं बल्कि लैंगिक मुक्ति के समर्थक हैं। अमूल नारीवादी महिलाओं की विशिष्ट पहचान को गौरवान्वित करना चाहते हैं। नारीवाद एवं न्याय, तो फेमिनिज्म एंड जस्टिस। न्याय का अभिप्राय समाज में समानता और निष्पक्षता की स्थापना करना है, इसलिए नारीवादी न्याय का आशय सार्वजनिक जीवन में पुरुष और महिलाओं के मध्य समानता की स्थापना तथा लैंगिक आधार पर सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक जीवन में समानता स्थापित करने के पश्चात नारीवादियों ने घरेलू और ये व्यक्तिगत मतलब पर्सनल और पारिवारिक जीवन में भी समानता स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसके लिए इन्होंने निम्नलिखित उपायों पर बल दिया। कौन कौन सा? पित सत्ता की समाप्ति, निजी एवं सार्वजनिक जीवन के मध्य अंतर की समाप्ति, सेक्स एवं जेंडर के मध्य अंतर की समाप्ति, मध्य अंतर स्थापित करना। गिलगिन के अनुसार न्याय एवं अधिकार जैसी सार्वभौमिक मान्यताएं केवल पुरुषों के लिए, इसलिए नारीवादी विचारकों ने उन नारीवादी मूल्यों जैसे संबंध, सहानुभूति एवं निकटता जैसे गुणों को प्राथमिक बनाने पर बल दिया, जबकि समाज में पित सत्ता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे स्वायत्तता, तार्किकता और आक्रामकता जैसे मूल्य हैं, जिसमें ऑटोनॉमी, रेशनलिज्म और ये एग्रेसिवनेस जैसे मूल्य। देखभाल की नैतिकता यानी इथिक्स ऑफ केयर। अधिकांश उग्रवादी नारीवादी विचारकों ने पित सत्ता से मुक्ति के लिए महिलाओं को परंपरागत पारिवारिक दायित्वों से मुक्त करने का आह्वान किया। इनके अनुसार महिलाओं की इसी घरेलू परंपरागत भूमिका के कारण उनका शोषण हो रहा है, परंतु सभी नारीवादी विचारकों ने महिलाओं की परंपरागत घरेलू भूमिका को अस्वीकृत नहीं किया। इनमें सबसे बड़ा, इसमें सबसे प्रमुख नाम है कैरोल गिलिगन। उनकी प्रमुख पुस्तक क्या है? इन अ डिफरेंट वॉइस। कैरोल गिलिगन पुस्तक क्या है? इन अ डिफरेंट वॉइस। तो इनके अनुसार पुरुष और महिलाओं का चिंतन अलग अलग होता है तथा इस भिन्न चिंतन को ही दो प्रकार की नैतिकता डुअल मोरलिटी माना जा सकता है। इसे न्याय और देखभाल की नैतिकता कहा जाता है। पुरुष न्याय को ज्यादा महत्व देते हैं जबकि महिलाएं न्याय के साथ साथ देखभाल को ही महत्व प्रदान करती हैं। इसलिए देखभाल की समर्थक महिलाओं ने महिलाओं की भूमिका को पुनः परिभाषित करने का प्रयत्न किया। उग्रवादी न्याय के सिद्धांतकार कौन कौन से हैं? जॉन रॉल्स हैं और डार्किन हैं। अमूर्त व्यक्तिगत अधिकारों का
पर बल प्रदान किया। तो ये अब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं। इन्होंने न्याय के ऐसे सिद्धांतों का विकास किया जिन्हें सार्वजनिक रूप में, सार्वभौमिक रूप में लागू किया जा सकता है, जिन्हें यूनिवर्सली रूप यूनिवर्सल जिनका अप्लीकेशन किया जा सकता है। इसमें निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी कायम रहे, है ना, जिसमें न्याय की इस परंपरागत मान्यताओं में व्यक्ति को समुदाय से ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो न्याय की मान्यता है उसमें इंडिविजुअल इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन अ सोसाइटी या कम्युनिटी। देखभाल की नैतिकता के अंतर्गत मानवीय समयबद्धता, परित्याग और दूसरों के प्रति दायित्वों को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के मध्य संबंध तथा दूसरे व्यक्तियों का भावनात्मक समर्थन किया जाता है, विशेष तौर पर जिनके साथ हमारे निकट संबंध है। इसलिए देखभाल की नैतिकता नैतिकता का एक वैकल्पिक रूप है। सामान्यतः न्याय को देखभाल से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि न्याय तार्किकता पर आधारित है, भावनाओं पर नहीं। न्याय अमूर्त होता है, विशिष्ट नहीं। न्याय का प्रयोग सामान्य रूप में किया जाता है जो पूर्वाग्रहों से भी मुक्त होता है। इसलिए देखभाल की नैतिकता में नैतिक तर्क को ज्यादा महत्व दिया जाता है तथा इसे न्याय से श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अंतर्गत शांति, समझौते एवं स्थायित्व पर बल प्रदान किया जाता है। न्याय और देखभाल के अंतर को निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। एक कार्यरत या पेशेवर महिला जिस प्रकार अपने कार्य के साथ परिवार की भी देखभाल का दायित्व निभाती है, न्याय के अमूर्त नियमों के अनुसार उसे अपना पूरा ध्यान अपने व्यवसाय में लगाना चाहिए, जबकि देखभाल की नैतिकता के अंतर्गत उसे अपने बच्चों की देखभाल को ज्यादा महत्व देना चाहिए। परिवार और बच्चों के मध्य का यह संबंध अमूर्त और तार्किक आधार पर विश्लेषित करना संभव नहीं। समकालीन समय में नारीवाद, तो कंटेम्प्रेरी टाइम में फेमिनिज्म क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो नारीवादी आंदोलन वर्ष 1960 के अंतिम दशकों में चरम पर पहुंचा तथा वर्ष 1970 के दशक के पश्चात यह आंदोलन कमजोर हो गया, जिसे उत्तर नारीवादी युग कहा जाता है, पोस्ट फेमिनिस्ट इरा। इसमें नारीवादी आंदोलन के समक्ष अनेक कठिनाइयां और समस्याएं उत्पन्न हुई। नारीवादी आंदोलन में अनेक विभाजन हो गए। नारीवादी, उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, अतिवादी नारीवाद यानी लेस्बियन फेमिनिज्म ने अलग अलग मुद्दों को उठाया। अमेरिका में अश्वेत नारीवाद की उत्पत्ति हुई और अश्वेत महिलाओं के अनुसार उनके हित श्वेत महिलाओं से अलग है। तो प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक वुमेन इज डिफरेंट और सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ व्हाइट वुमेन, क्योंकि अमेरिका में अश्वेतों के विरुद्ध रंग भेद नीति का प्रयोग किया गया। अतः नारीवादी आंदोलन आंतरिक रूप से विभाजित हो गया, इंटरनली इसमें काइंड ऑफ डिविजन हो गए। इसीलिए मेटा आइडियोलॉजी बनकर उभरा। वर्ष 1980 और वर्ष 1990 के दशक में अनेक देशों में कट्टरपंथी तालिबानीकरण की प्रवृत्तियों का जन्म हुआ, जिन्होंने महिलाओं को पुनः घरों से में लौटने को विवश किया। इंदौर इंग्लैंड है दोस्तों, इंग्लैंड व अमेरिका जैसे देशों में भी परिवार के मूल्यों के नाम पर महिलाओं को माँ एवं पत्नी की भूमिका को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने स्वयं अतिवादी नारीवादियों का विरोध किया। मार्गरेट थैचर, उग्र नारीवादी चरण के नारीवादियों ने परंपरागत विचारकों की उन समस्याओं का खंडन किया जिनमें निजी एवं सार्वजनिक जीवन में विभेद स्थापित किया जाता है। यह परंपरा अरस्तु के चिंतन से ही विद्यमान। समकालीन उदारवादी विचारकों ने इस मान्यता को स्वीकार किया क्योंकि उन्हें राज्य और सरकार की गतिविधि को सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित करने का समर्थन किया, है ना, तथा इसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप आवश्यक है। समकालीन उदारवादी राज्यों का यह दावा है कि वे पुरुष और महिलाओं के प्रति तटस्थ है, न्यूट्रल है, क्योंकि उदारवादी राज्य के अंतर्गत सभी को समान अधिकार एवं स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। नारीवादियों के अनुसार राज्य लैंगिक रूप से तटस्थ नहीं। तो फेमिनिस्ट क्या मानते हैं कि स्टेट इज नॉट न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन, बल्कि राज्य द्वारा महिलाओं के प्रति भेदभाव किया जाता है। तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। उदाहरण के लिए आज भी पुलिस और प्रशासन में सम्मिलित होने के लिए जिन मानकों का निर्माण किया गया है वह मूलतः पुरुषों के लिए है। इसलिए कैरोल पिटमैन ने कल्याणकारी राज्य को मूलतः पितृसत्तात्मक राज्य माना है। कैरोल पिटमैन आगे कहते हैं कि व्हेन आई सी द स्टेट इट अपीयर्स मेल टू मी, जो मैं स्टेट को देखती हूँ यह मुझे पुरुष दिखाई देता है। ऐसा इसलिए वी शुड
ओवरकम द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, वो स्टेट को भी खत्म करने की बात करते हैं। कौन फेमिनिस्ट, इनके अनुसार महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में है, स्टेट ऑफ नेचर में है, इसलिए सार्वजनिक जीवन में प्राप्त स्वतंत्रता, समानता, अधिकार केवल पुरुषों के लिए है। इसलिए नारीवादियों ने सार्वजनिक और निजी जीवन के कृत्रिम विभाजन को अस्वीकार कर दिया। ओकिन ने व्यक्तिगत की राजनीतिक है ने ओकिन ने क्या कहा कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल है, को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया। पर्सनल इज पॉलिटिकल को किस प्रकार ओकिन ने परिभाषित किया कि राजनीति को शक्ति के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अनुसार शक्ति का यह संघर्ष परिवार से ही आरंभ हो जाता है। परिवार में किए गए कार्यों का विभाजन इसका प्रमाण है, तथा घरेलू हिंसा भी उसका उदाहरण है। नारीवादियों के अनुसार विवाह से लेकर पारिवारिक जीवन तक उसके साथ लगातार भेदभाव होता है। राज्य के विभिन्न कार्यों द्वारा व्यक्ति के जीवन प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए राज्य द्वारा विवाह को परिभाषित किया जाता है। राज्य के द्वारा ही विवाह की उम्र और शर्तों का निर्धारण होता है। वैवाहिक जोड़ों को मिलने वाले लाभों का निर्धारण भी राज्य के द्वारा किया जाता है। इसलिए परिवार में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक। पारिवारिक जीवन पर सार्वजनिक जीवन में कार्य करने की परिस्थितियों का निर्माण होता है। परिवार सामाजिक संरचना की मुख्य इकाई है, जिसमें सामाजिक मूल्यों एवं मानकों का निर्धारण होता है, जो न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि जीवन को निर्धारित करने वाले विभिन्न विकल्पों को भी प्रभावित करते हैं। फिर सत्तात्मक समाज में सामाजिक संगठन लैंगिक दृष्टि से विभाजित है, क्योंकि परिवार में ही पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग अलग पहनावे एवं भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है, तथा लिंग विशेष के प्रति अभिवृत्ति का निर्माण भी होता है। परिवार में श्रम का लैंगिक विभाजन भी हो जाता है। महिलाओं का पालन पोषण इस प्रकार होता है कि वे बच्चों की देखभाल करना ही अपना स्वाभाविक कर्तव्य मान लेती हैं। लैंगिक दृष्टि से श्रम विभाजन का यह एक तार्किक परिणाम हुआ है। महिलाओं का जीवन घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित हो गया और सार्वजनिक जीवन में उनके प्रवेश का मार्ग बंद हो गया। वो भौतिक और मानसिक दोनों संसाधनों से वंचित हो गई है। परिणाम स्वरूप सरकार, न्यायपालिका और विधायिका जैसी संस्थाओं में भी इसका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। राजनीतिक, न्यायिक और आर्थिक नीति निर्माण में भी इनकी भूमिका गौण या द्वितीय। तो यहाँ से दोस्तों फेमिनिज्म समाप्त होता है। और तीन फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि जो सबसे पहले जो फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था, सॉरी, जो सबसे पहले वोटिंग राइट दिए गए थे, वोटिंग राइट वुमेन्स को, वो न्यूजीलैंड में दिए गए थे। न्यूजीलैंड में दिए गए थे। और स्विट्जरलैंड में दोस्तों, स्विट्जरलैंड में, जो कि अपने आप को डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मसीहा बताता है, यहाँ पर 1970 के दशक में दिए गए। तो सबसे लास्ट में यहीं ही दिए गए। ब्रिटेन में तो 1920 के दशक में दे दिए गए थे, ब्रिटेन और अमेरिका ऐसे देशों में। लेकिन यहाँ पर स्विट्जरलैंड में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो मसीहा, वहाँ पर 1970 के बाद का, मतलब बहुत ज्यादा समय बाद में दिया जाता। तो ये एक बात है। फिर एक थिंकर है दोस्तों, जूडिथ बटलर, ये फेमिनिस्ट है। इनकी बुक का क्या नाम है, जेंडर ट्रेवल। तो ये जेंडर परफॉर्मबिलिटी का कॉन्सेप्ट देती है। जेंडर परफॉर्मेटिविटी का कॉन्सेप्ट देती हैं। और ये पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थिंकर है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको मतलब याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सीरीज में। और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा, मैं कैसे जानूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, जब आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तभी ना पता चलेगा। तो अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मोटिवेशन तो बढ़ता ही, साथ में पता भी चलता है कि आप लोगों को वीडियोज अच्छे लग रहे हैं। जब कोई रिएक्शन ही नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं रह पाता, और उसके चक्कर में फिर जो अदर प्रायोरिटीज हैं, फॉर एग्जांपल अभी तो एमपीपीएससी और यूपीपीएससी के पेपर चल रहे हैं, तो आदमी अदर प्रायोरिटीज में लग जाता है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो पर अगर मोटिवेशन बना रहेगा, आप लोगों को लगे, मुझे लगेगा कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो वीडियोज आएंगे, ऐसा नहीं। चलिए मिलते हैं अगले सीजन के लिए। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।